अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, मुझे तो उम्मीद है कि आप सब तैयार से होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और बहुत जल्द आप हमारे साथ होंगे। सो आज जो हमने काम करना है वो है, जैसा हम शायद पहले कर भी चुके हैं, शायद नहीं बल्कि यकीनन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज जो है उसका लुक दिया है, और आज हम वो भी करेंगे। पेज नंबर 11 पे कि आज हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है शेप्स ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव इमेज जो हमें अपनी रियल पे दिखाती है, और नेगेटिव इमेज जो हमें सिर्फ आउटलाइंस दिखाती है, और आउटलाइन के जरिए हमारी जो एक शेप होती है वो खास तौर पे वाजे होती है। पॉजिटिव इमेज आप लोगों को पता है, जैसे कि एक पॉजिटिव इमेज होती है वो हमें प्रेफर करती है कि हम उस शेप पे देखें, ठीक है, हमारी सही नज़र उस शेप पे होती है, बस हम उस पर गौर करते हैं और मतलब वही चीज़ देखते हैं। पर जब हम नेगेटिव इमेज की बात करते हैं तो हमें सारा बैकग्राउंड जो है ना वो अलग से शोर होता है, हमारा सारा फोकस जो है बैकग्राउंड की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। सो हम काम करते हैं अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज पर। हमने दो कप्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, एक कप यहाँ और एक कप यहाँ, ठीक है। अभी कप्स ड्रॉ करने के लिए हम दोनों कप जो है वो सेम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जब हम उसकी आउटलाइन पे काम करेंगे तो हम एक कप की आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद उसको बीच में से रिमूव कर देंगे, और सेकेंड कप की आउटलाइन और उसका पूरा पार्ट जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। सो हमने हमने थोड़ी सी पार्टीशन कर दी है ताकि हमें इजीली जो है अपने कप ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है। सो अपने कप को हम ड्रॉ करेंगे, हम थोड़ा सा अपनी यहाँ जगह हैंडल के लिए भी छोड़ेंगे क्योंकि हमारा हैंडल भी ड्रॉ होना है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा कप जो है इस तरफ आए, हमारे हैंडल के लिए एरिया जो है हमारे हैंडल के लिए बच जाए, ठीक है। सो हम कोशिश करेंगे कि हमारा कप यहाँ से लेके इस एरिया तक ही रहे ताकि हमारे यहाँ पर हैंडल ईजिली आ जाए, ठीक है। सो ये हमने लिमिट रखी ताकि हमारे कप इस लिमिट के अंदर अंदर ही रहे, ठीक है। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस लिमिट के अंदर अंदर अपना काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ से लाइन्स लेनी है, कितनी लेंगे, 1 से लेके 5 तक, ठीक है। ये 1 से लेके 5 तक मैंने लाइन ली यहाँ से, और इसका मिडिल 1 से लेके 5 तक का मिडिल जो होता है वो ये होता है, ठीक है। अब जो नीचे के एरिया है वो कहाँ तक होना चाहिए, सो यहीं से देखेंगे यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ठीक है। सो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम उस लाइन के अंदर अंदर काम कर सकें, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, बाद में हम इसको सेट कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ से ये हो गया सेट, ठीक है। अब हमारा ये वाला एरिया यहाँ तक आना है, ठीक है। सो अब इसको हम इतना ही लाएंगे, ठीक। अब यहाँ से स्ट्रेट आएगा क्योंकि यहाँ से हमने हैंडल भी निकालना है, थोड़ा सा हैंडल को छोटा करेंगे, ठीक है, और ये वाला एरिया। सो ये हो गए हमारे दोनों कप्स ड्रो, एक पे हमने जो है पर उस पॉजिटिव शेड देना, एक पे हमने नेगेटिव शेड देना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको शेडिंग ब्लैक कलर से जो है हमने इसकी आउटलाइन पहले ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप ब्लैक कलर से पहले इसको हम आउटलाइन देंगे। तो यहाँ हमने आप देख रहे हैं कि अपने जो है आउटलाइन जो ब्लैक कलर से डन कर ली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर हमने कुछ काम करना है, ठीक है, बहुत ही शेडिंग जब करेंगे बहुत ही लाइटली शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
कुछ यहाँ है, कुछ एरियाज है, ठीक है। सो क्लास, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव जो इमेज जो हमें स्टैट पे शो हुआ था, जो हमने करना था, वो हमारा डन हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो दिखा सकते हैं कि उसकी बॉडी आप देख सकते हैं, पॉजिटिव में हमें कैसी बॉडी शो हो रही है और नेगेटिव में हमें सिर्फ उसका एच, उसकी जो है ना आउटलाइन, वो शो हो रही है, ठीक है। सो क्योंकि हमारी बॉडी नेगेटिव में वाइट हो जाती है और फिर उसका हमें आउटलाइन ही शो होता है। सो क्लास, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर हमारे ला